भाजपा नेता फसाद अली शानू ने कहा कि कल से चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान, जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी करने की जाएगी सरकार से मांग। देखिए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी किया जाए, इसको लेकर हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। कल शहर से चलेगा 4 दिसंबर और शहर के शाहबाद गेट से चलेगा। हमने इसकी जिम्मेदारी सैयद कायम मेहंदी को दी है। चूँकि आपने देखा है कि लगातार जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि सरकार के पास एक ही रास्ता है, यूनिवर्सिटी को या तो बंद कर दे या ध्वस्त कर दे। हम ये चाहते हैं कि बच्चों का और वहाँ के टीचर्स का स्टाफ का भविष्य अंधकार में ना हो। यूनिवर्सिटी किसी भी तरह बंद ना हो, चलती रहे। तो इसका एक ही तरीका है कि यूनिवर्सिटी को सरकारी कर लिया जाए। हम ये इस मांग को लेकर लगातार हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। कल शहर में चलेगा 1 सप्ताह का। इससे पहले हमने सेकंड खेड़े में चलाया था, आपको मालूम है, जो शनिवार को ख़त्म हुआ है। कल आज अवकाश रहा, कल शहर में चलेगा शाहबाद गेट से, जिसकी जिम्मेदारी हमने कायम मेहंदी को दी है। और इसके बाद शहर के विभिन्न वार्ड्स में, विभिन्न मोहल्लों में कोशिश ये की जाएगी कि पूरे शहर से खत लिखे जाए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यूनिवर्सिटी को सरकारी किया जाए। यूनिवर्सिटी को संरक्षण में लें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार, और वो सरकार चलाए इसको, ताकि इसको भविष्य अंधकार में ना हो और यूनिवर्सिटी बंद ना हो। नहीं, पहले तो प्राइवेट थी ना, मोहम्मद आदम खां की थी, लेकिन ये बराबर साबित हुआ है कि सारा पैसा सरकारी ही था। और जो पैसा लगा है उसका एसिड अभी पता नहीं चल पाएंगे कैसा लगा है पैसा। जो बातें आ रही हैं आप लोगों के थ्रू, यानी मीडिया के थ्रू हमारे सामने, बाकी तो सच्चाई जब सरकार की रिपोर्ट या ईडी की रिपोर्ट आएगी तब आएगी। तो हमारा कहना ये है कि जो लग रहा है और जो अंदेशा है, हमारा जो अंदाज़ा है कि यूनिवर्सिटी बंद हो सकती है, तो उसको बंद ना किया जाए, सरकारी किया जाए। इस मांग को लेकर हम बराबर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। देखिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है सरकार हमारी मांग मानेगी।